मैम मेरे एग्जाम में एक क्वेश्चन आया था डायग्राम बनाने का, आप वो बना के दिखा दो एक बार कैसे बनेगा मैम, क्योंकि मैं उसमें कंफ्यूज हो गई थी। नहीं, तुम्हारा पेपर कब था? मैम आज था। को लेटिन कर लो, उसका मैसेज आया है। क्या क्या हुआ? मैम जेनी को लेटिन कर लो, उसका मैसेज आया है। जेनी का मैंने मैं क्लास में हूँ। जेनी तो क्लास में है। ठीक है, एक काम करते हैं, सबसे पहले हम पहले कुछ क्वेश्चंस करते हैं, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, मेरी क्लास चलेगी 8:15 तक, अभी हो रहे हैं 7:05 हो रहे हैं, पूरे 8:15 तक क्लास होगी। कितने क्वेश्चंस होंगे मैं बना दूंगी अभी, तो फटाफट क्वेश्चंस रीड आउट करो। ठीक है, बहुत जल्दी खत्म हो जाना चाहिए, अगर खत्म हो गया ना तो फिर हम आयनिक में चलेंगे। वैसे और बहुत सारे डायग्राम बना दो एक बार उस क्वेश्चन का। कौन सा आपको मैंने जो क्वेश्चंस दिया था, कुछ दिया था ना? यस मैम, वो तो मैंने कर लिए थे मैम, बट उसमें से कुछ नहीं आया। उसमें से कुछ आप एमसीक्यूज वाला जो पोर्शन है उसमें से कुछ क्वेश्चन दिए थे। जिसको फेनॉल के बारे में आइडिया ही नहीं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर नहीं पढ़ोगे तो उसका स्ट्रक्चर बनाना खाली रटने वाली बात हो जाएगी। ठीक है ना, उसके 5 रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनेंगे तो उसको प्रॉपर अगर आपको समझ नहीं है तो ये पूरी रटने वाली बात हो जाएगी। मेरे नोट्स में है ना जीओसी के। हाँ, तो ये अगर आप समझोगे नहीं कैसे ट्रांसफर हो रहा है इलेक्ट्रॉन से, 5 स्ट्रक्चर पूरा बनेंगे, 5 रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाया है क्या? बना के अगर तुम आई हो तो यस मैम, यही वाला स्ट्रक्चर बनाया था मैंने, 5 ऐसे स्ट्रक्चर और फिर इसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करके दिखा दिए थे। बस बस आपको इस तरीके से दिखाना पड़ेगा, बार बार करके 5 स्ट्रक्चर जाएगा पूरा। और मैम इसके अंदर फिर रीजन, यस मैम बनाया है तो सारा बना दिया था मैंने। और मैम फिर उसके अंदर एक क्वेश्चन में रीजन पूछा था कि टर्शियरी कार्बोकेशंस आर मोर स्टेबल देन सेकेंडरी कार्बोकेशन, एक्सप्लेन। तो मैम उसके अंदर क्या लिखना था? वहां पे हाइपोकंजुगेशन मैक्सिमम बनता है टर्शियरी कार्बोकेटायन में, हाइपोकंजुगेशन फॉर स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा होता है। मिथाइल ग्रुप होते हैं लाइक दिस, तो यहाँ पे 3-3 मिथाइल ग्रुप हैं और ये मिथाइल ग्रुप जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं, ये सारे इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो बैलेंस हो जाता है। मैम इसके अंदर डायग्राम बनाना जरूरी था क्या? मैंने तो सिर्फ एक्सप्लेनेशन दी है। ये बनने नहीं, चलेगा कोई दिक्कत नहीं। अच्छा ओके मैम, ठीक है। हाँ, और बाकी पढ़ेंगे सारा जीओसी में, सारे पढ़ेंगे, काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। आज के क्वेश्चन में चलते हैं, आज का जो क्वेश्चन है, ठीक है। मैम ये सब तो एनसीईआरटी में भी है। हाँ ये सब है एनसीईआरटी में, तो मैं आपको कहां से देंगे? CO according to the equation this given hai, equation given hai, calculate the equilibrium constant for the reaction bola gaya hai. Sabse pehle to hum reaction likhte hain, question number 7.14. theek hai, to kuch strong easy question to kal kara diya tha, aap dekhte hain aaj ke questions kaise hain. Ye bhi easy question hai, H2O gas plus CO gas, H2 gas CO2 gas. ठीक है, अच्छा ये मेरा है और मुझे बोला गया है 1 mole of H2O and 1 mole of CO are taken in a 10-liter vessel. एक मोल लिया है 10-liter vessel में, तो मोल पर लीटर कितना बनेगा? 1/10. Yes ma'am. 1 mole in 10-liter vessel. मोल पर लीटर कितना बनेगा? 1/10 मोल पर लीटर, तो 0.1. तो H दोनों को 1-1 मोल लिया गया था 10 लीटर के वेसल में, तो ये हो गया इनिशियली 0.1, ये मैंने लिया है इनिशियली, ठीक है? And heated to this, at equilibrium 40% of water reacts with CO. At equilibrium 40% वाटर जो है वो सीओ के साथ रिएक्शन दिखा चुका है इक्विलिब्रियम में,
ठीक है, अब आप मुझे बताओ इसके अगर 40% खत्म हो जाएंगे तो इसके बचेंगे कितने, 60% बचेंगे। मैंने 0.1 मोल पर लीटर लिया था और ये इक्विलिब्रियम में चल के क्या करते हैं, इक्विलिब्रियम तक पहुंचने तक इसके 40% खत्म होते हैं, तो 40% खत्म है तो बचे कितने हैं, 0.06। Isn't it? 0.1 मैंने मोल पर लीटर लिए थे, इसके 40% खत्म हो गए इक्विलिब्रियम में, इसके 40% रिएक्शन दिखा चुके हैं CO के साथ, तो 40% कितना हुआ, 0.04 होगा ना। 0.1 का 40% कैसे निकालोगे, 0.1 का 40% मीन्स 40/100 इंटू 0.1 कितना आएगा, 0.04, चेक कर लो। ठीक है मैम, समझ नहीं आ रहा मैम। नहीं नहीं, ये तो वैसे भी ये जो क्वेश्चन होते हैं कई बार इसको लैंग्वेज समझनी पड़ती है, आप बहुत क्वेश्चंस करोगे, पूरा डिवोट करोगे टाइम तो ये समझ में आएगा धीरे धीरे आपको। यस मैम, 0.04 आ रहा है। 0.04 इनिशियली मैंने 0.1 मोल H2O लिया, 0.1 मोल CO लिया और रिएक्शन को प्रोसीड कर दिया, ये इनिशियली जीरो बनेंगे। फिर मैं इक्विलिब्रियम में चली गई और यहाँ पे डाटा क्या मुझे मिला है कि इक्विलिब्रियम में 40% ऑफ H2O जो है वो रिएक्ट कर चुका है CO के साथ। अगर 40% रिएक्ट कर चुका है, किसका 40%, 0.1 का 40% रिएक्शन दिखा चुका है तो वो खत्म हो गया, तो 0.1 का 40% 0.04 आ रहा है मेरा, ये खत्म हो गया तो बचा कितना है, इक्विलिब्रियम में अगर 0.04 रिएक्शन दिखा चुका है तो बचा कितना है, 0.1 माइनस 0.04 इक्वल 0.06 बचेगा ना लेफ्ट वाला। यस मैम, एक ही बार में समझ नहीं आएगा, थोड़ा टाइम लगेगा, बट दिस इज द फैक्ट। अगर 0.1 मोल मैंने लिया है, 40% अगर खत्म हो गया तो 60% बचा होगा, 40% खत्म हो गया मतलब 60% बचा है, 60% किसका 60% बचा है, 0.1 का 60% बचा है, और 0.1 का 60% कितना है, 0.06 है, तो ये अभी इक्विलिब्रियम में बचा हुआ है। अगर इसका 40% रिएक्शन दिखा चुका है तो इसका कितना परसेंट रिएक्शन दिखाएगा, अगेन 40% ना, क्योंकि ये स्टोइकोमेट्री 1 है, इसका भी स्टोइकोमेट्री 1 है, अगर इसका 40% खत्म हुआ तो इसका भी 40% खत्म होगा। All clear? Yes, ma'am. अब स्टोइकोमेट्री रेशियो 1:1 है तो ये 40% खत्म होगा, तो ये भी 40% खत्म होगा। अगर यहाँ पे इसका स्टोइकोमेट्री 1 होता, इसका 2 स्टोइकोमेट्री होता कोएफिशिएंट, तो ये अगर 40% खत्म होता तो ये 80% खत्म होता, क्लियर ना, दो मोल खत्म हो जाता वो उस तरीके से हम चले तो। क्लियर की नहीं है? Yes, ma'am. ठीक है, यहाँ पे एक मोल खत्म होता है तो यहाँ पे इसके ये एक वन मोल है, ये वन मोल है, सेम रेशियो में जा रहा है, इसका अगर 40% खत्म होगा तो इसका भी 40% अकॉर्डिंगली खत्म हो जाएगा, वन मोल का 40%, टू वन मोल का 40%, तो ये कितना बचेगा, अगेन 0.06 ये भी तो बचेगा क्योंकि सेम मैंने लिया था और सेम खत्म हो रहा है तो बचेगा भी सेम। क्लियर है कि नहीं है? Yes, ma'am, clear है। Clear? Very clear. तो यहाँ पे 0.1 लिया था, 0.1 लिया था, 40% खत्म हो चुका है इक्विलिब्रियम तक, तो बचा है 60%, 60% कितना हो जाएगा, 0.0 से बचा है 0.0। अच्छा, अगर ये 40% खत्म हुआ है तो बनेगा कितना, 40% अगर बनेगा तो 40% है कितना, 0.04, तो ये बनेगा 0.04 और ये बनेगा 0.04 बनेगा। ध्यान रहे हम यहाँ पे इक्विलिब्रियम में लेते हैं तो प्रोडक्ट के साइड में जो बना है वो लिखते हैं और रिएक्टेंट के साइड में जो बचा है वो लिखते हैं, जो लेफ्ट है। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन आप प्लीज इसे नोट डाउन कर लो। और अब आपको पूछा गया है सारा डाटा के साथ कि इसका केसी निकालो, कांट यू फाइंड आउट केसी नाउ, क्लियर है? बहुत सिंपल क्वेश्चन, एकदम जैसे सिंपल पुट द फॉर्मूला गेट द आंसर टाइप का क्वेश्चन नहीं है ये, आपको थोड़ा लैंग्वेज समझ के करना पड़ेगा इसको। तो केसी कितना बनेगा,
केसी का फॉर्मूला क्या लेते हो, सारे इक्विलिब्रियम का कंसंट्रेशन आपका आ चुका है, तो केसी कितना बनेगा? 0.04 ये 0.4 आ रहा है, 0.44 आ रहा है बोल रहे हो? हाँ मैम। यस मैम। ठीक है, तो ये थोड़ा आप डाउन कर लो कॉपी में, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। I'm done। ठीक है, कई बार ऐसा भी जरूरी नहीं, ऐसा नहीं होगा ना कि आपको हर एक क्वेश्चन परफेक्ट ही समझ में आ जाए, क्योंकि है कंसेप्चुअल अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है, अभी नोट डाउन करो, घर में दोबारा से प्रैक्टिस करना, क्वेश्चन पढ़ना फिर प्रैक्टिस करना। यस मैम, क्लियर हो गए क्वेश्चन। 7.15 पे चलते, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना वही होगा। ठीक है, बस ये 2-3 क्वेश्चन है तो टाइम लगेगा, बाकी तो आपको पता है लीटेटलेस प्रिंसिपल वगैरह डाल के थियोरेटिकल क्वेश्चन है सारे, हो जाएगा वो। 7.15 में चलती हूँ, इसे रख कर लेते हैं पहले। ठीक है, उसके बाद 7.15 में चलते हैं। 7.15 मैम, जो 0.1 बोलो मैम, 0.1 जो वाटर था, वो मोल्स थे वाटर के। हाँ, मोल पर लीटर था, उसने जब रिएक्ट किया कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ, तो जो 40% था वो रिएक्ट, वो प्रोडक्ट साइड पे जाएगा। हाँ, हो जाएगा नहीं, बिकॉज़ स्टोइकोमेट्री सेम है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, 40% खत्म हुआ। अलग अलग होता तो, अलग अलग होता तो उसका दुगना जाता। ओके मैम, मतलब जो भी परसेंट जाता वो प्रोडक्ट साइड पे जाता। हाँ हाँ, जो मोल पर लीटर जाएगा, क्लियर ना? तो ये तो आपको परसेंटेज के हिसाब से दिया है, मोस्टली क्या करते हैं ये मोल पर लीटर में लेते हैं, तो उस तरीके से जाएगा। अगर मान लो यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2 है, तो अगर यहाँ पे 0.04 खत्म हो तो यहाँ पे 0.08 बनेगा, डबल हो जाएगा ये स्टोइकोमेट्री के हिसाब से। सब में 1 है तो सेम चलेंगे पूरा। ओके मैम, खत्म भी होंगे उसी रेट से, सेम और बनेंगे भी उसी रेट से। क्लियर मैम? क्लियर है। यहाँ पे 2 होता, मान लो 2 होता, इसका मतलब है यहाँ पे अगर 0.0, यहाँ पे 0.04 अगर खत्म होता तो यहाँ पे 0.08 खत्म होता, क्योंकि यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 0.08 माइनस करके फिर मुझे लिखना पड़ता, यहाँ पे जो बचता 0.1 माइनस 0.08 करके फिर यहाँ पे मुझे लिखना पड़ता, व्हाटएवर। तो स्टोइकोमेट्री के हिसाब से कैलकुलेशन होता है। आगे और भी क्वेश्चन से करेंगे आगे। हाँ, अच्छा, मैं क्वेश्चन नंबर 7.15 पर डाउट कर रही हूँ। एट 700 केल्विन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन H2 गैस प्लस I2 गैस गिव्स 2HI गैस इज 54.8। इफ 0. अच्छा, आपको मिला है H2O गैस और I2 गैस गिव्स 2HI का, आपको KC मिला हुआ है 54.8। If 0.5 मोल पर लीटर ऑफ HI गैस इज प्रेजेंट एट इक्विलिब्रियम एट 700 केल्विन, व्हाट आर द कंसंट्रेशन ऑफ H2 एंड I2 गैस अज्यूमिंग दैट वी इनिशियली स्टार्टेड विद HI एंड अलाउड टू रीच इक्विलिब्रियम एट 700 केल्विन। थोड़ा पढ़ो और मुझे बताओ कितने बच्चों को ये क्वेश्चन का लैंग्वेज समझ में आया है, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। मैम, आंसर आ गया। हाँ, कैसे करा तुमने, क्या करा तुमने? हमें तो सिंपल था। बोलो क्या करना है।
मैम केसी तो दे रखा है ना मैम, तो इज इक्वल टू मैम प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट कर दिया मैम, और रिएक्टेंट को एक्स एक्स माना तो मैम आंसर आ गया। क्वेश्चन ऐसा नहीं है, बताती हूँ मैं आपको क्या करना पड़ेगा इसमें। मैं तो आंसर बता रहा हूँ। हाँ हाँ ठीक है ठीक है, इसमें एक्चुअली मैं बताती हूँ उसके पीछे का फैक्ट बताती हूँ आपको। मैम हमें रिएक्शन उल्टा लिखना है ना। बहुत अच्छा, वेरी गुड, बहुत अच्छा, वेरी गुड। बहुत अच्छा जागरूक, तुमने पहले क्वेश्चन करा हुआ है क्या जागरूक? मैम नहीं। बहुत अच्छा, समझ में आया जागरूक? मैम आया, समझ तो आ गया लेकिन सॉल्व नहीं होता, यही तो दिक्कत है। कोई बात नहीं ना, अरे कोई बात नहीं ना, लैंग्वेज तो समझ में आया ना, लैंग्वेज तो समझ में आ गया, बस आगे फिर करेंगे, क्या दिक्कत मैम? प्राची कुछ बोल रही है क्या? मैम कंसंट्रेशन आ गया मेरा, आंसर। हाँ ठीक है ठीक है, अभी मैं यहाँ पे करवा देती हूँ। मैम आंसर क्या है, क्या है उसका आंसर? 0.068 एनसीईआरटी के पीछे, अगर आपके पास एनसीईआरटी बुक पड़ी है तो आप देख लो, आंसर देख लो एक बार, फिर मैं प्रोसीड करती हूँ, फिर फाइनली हम आंसर निकालेंगे, देखेंगे मैच कराएंगे पीछे आंसर मैच करवा के। ठीक है मैं आपको बता देती क्या कैसे क्वेश्चन करेंगे, 7.15 एनसीईआरटी के पीछे आंसर मिलेगा आपको। ठीक है 700 केल्विन में है, H2 गैस प्लस I2 गैस विल गिव मी 2HR। ठीक, इसका केसी मुझे कितना मिला है? 54.8 मिला है। ठीक है एक मिनट, अरे आज मीटिंग अलर्ट आ गया क्या? ये आज फिर अभी खत्म हो जाएगी 40 मिनट, इस तरीके से है क्या? यस मैम। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है, अभी क्लास ले रही थी ना 12 का, तो ये अनलिमिटेड चल रहा था वो, मतलब पूरा। ठीक है ठीक है ओके, अच्छा हम एक इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसका केसी मुझे मिला हुआ है और ये भी बताया गया है कि 0.5 मोल पर लीटर ऑफ HI गैस इज प्रेजेंट एट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम में ये 0.05 मोल पर लीटर ये प्रेजेंट है इक्विलिब्रियम में। अच्छा बहुत अच्छा, What are the concentration of H2 and I2? इसका concentration मांगा गया है, equilibrium concentration मांगा गया है, assuming that, this is the very important point of this question, assuming that we initially started with HI, हमने start HI से करा था reaction को, we initially started with HI and allowed to reach equilibrium at 700 Kelvin. We initially started with HI, हमने HI से रिएक्शन को स्टार्ट करा था, हमने HI से रिएक्शन को हमने स्टार्ट करा और उसके बाद इक्विलिब्रियम अचीव करा और आपको इसका इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन मिला हुआ है। अब आपको ये चाहिए इसका और इसका इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन। जब आपको ये बोल दिया गया है कि हमने इनिशियली हमने स्टार्ट करा रिएक्शन को यहाँ से HI से, तो रिएक्शन मुझे उल्टा लिखना पड़ेगा, मतलब ये प्रोडक्ट देंगे, isn't it? Yes ma'am. So 2HI gas will give me H2 gas plus I2 gas. KC nikalo kitna banega? 1/54.8 nahi ban jayega? Ye kaise hua? Reaction reverse ho gaya. Inverse ho gaya. KC jo hai reaction ulta hone par, ye to tum rule pad lena jaag mein, tabhi main bol rahi hu ki har ek class mein present raho. ठीक है ना, ये रूल पढ़ लेना, मैंने इसके कैरेक्टरिस्टिक पढ़ाए हैं पूरे, हाँ पूरे पढ़ाया है इसको। ठीक है, जब रिएक्शन को उल्टा करा तो केसी उल्टा हो गया, इनवर्स हो गया। अब हम सारे डाटा यहीं से लिखना स्टार्ट करते हैं बिकॉज मैंने रिएक्शन को यहीं से स्टार्ट करा है। ठीक है, तो केसी मुझे इस रिएक्शन के लिए मिल चुका है। अब ये पूछा गया है, यहाँ पे बताया गया है कि 0.05 मोल पर लीटर ऑफ HI प्रेजेंट इक्विलिब्रियम में 0.05 है। अच्छा, और मुझे यहाँ पे ये भी पूछा गया है
कि इसका कंसेंट्रेशन इक्विलिब्रियम वाला बताओ पूछा गया है। सबसे पहले हम एक काम करते हैं, इनिशियली मान लो ये सी था, मुझे नहीं पता कितना था, ये जीरो जीरो इक्विलिब्रियम में ये बनेंगे बिकॉज कोएफिशिएंट 1 1 है, तो ये x बन गए मान लो और ये x बन गए। मैम हमें 0.5 तो दे रखा है ना, तो हम c की अज्यूम कर रहे हैं, इक्विलिब्रियम वाला दिया है, इसका इक्विलिब्रियम दिया है देखो। ओके मैम, मतलब अच्छा वो इक्वी, अच्छा वो जो 0.5 का कंसंट्रेशन है वो इक्विलिब्रियम पे आने का बात है, इनिशियली के लिए नहीं है, आने वाला है ठीक है, इनिशियली नहीं है वो, क्लियर है। तो ये c है 0 0 हमने अज्यूम कर लिया, ये x x बन गया, तो ये खत्म कितना होगा, 2x खत्म होगा ना। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ये तो बना, ये x बना, तो ये 2x खत्म हुआ होगा, c minus 2x, c मैंने लिया था, अब 2x खत्म हो गया, 2x खत्म हुआ कैसे पता चला, क्योंकि x x बना है तो definitely 2x खत्म हुआ होगा ना, इसके स्टोकियोमेट्री 1 है, यहाँ पे स्टोकियोमेट्री 2 आ गया, तो 2x 2x खत्म हुआ तो x x बनेगा, बचेगा c minus 2x। अब ये मुझे कितना मिला हुआ है, 0.5 मोल पर लीटर मिला हुआ है, ठीक है। अब मैं इसके बदले पूरा 0.5 ले सकती हूँ, C जानने की जरूरत नहीं है मुझे। Yes, ma'am. All clear? अच्छा, उसके बाद पूछा गया है इसका इक्विलिब्रियम कंसेंट्रेशन x निकालो, सीधा KC पे चलते हैं, KC का क्या फॉर्मूला होता है, एट इक्विलिब्रियम इसका कंसेंट्रेशन इंटू आई टू का कंसेंट्रेशन डिवाइडेड बाई एच आई का कंसेंट्रेशन का स्क्वायर 2 है, ये है मेरा केसी का रिप्रेजेंटेशन। अब हम इसमें क्या लिखेंगे, एच टू एक्स है इक्विलिब्रियम वाला इंटू आई टू भी एक्स है डिवाइडेड बाई एच आई कितना है, एच आई कितना है सी माइनस टू एक्स है, तो सी माइनस टू एक्स के बदले मैं ये लिख सकती हूँ 0.5, सो 0.5 का स्क्वायर है। अब आप एंड दिस इज गिवन, कितना गिवन है 1/54.8, आप x निकाल नहीं सकते हो, yes, ma'am, done. इसको डायरेक्ट भी तो करने से होगा, नहीं नहीं सुनो क्या आंसर गलत आएगा, सुनो सुनो डायरेक्ट करने से आंसर सेम आ रहा है क्या, हाँ मैम सेम आ रहा है, मैंने तो डायरेक्ट किया है, फॉर्मूला पुट कर दिया है, वो करा है एनसीईआरटी के ना, उतने ही ना स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन बच्चों को देते नहीं है, वो ऐसे क्वेश्चन देते हैं कि बच्चा सिंपल तरीके से भी करके उसका आंसर आ जाएगा, बट कंसेप्ट यही है इसका, ध्यान रहे। मैम अगर इससे आंसर नहीं आएगा, इससे आंसर नहीं आएगा, इससे यस मैम, इससे आंसर अगर हम 1 को डिवाइड करते हैं तो मैम नहीं आएगा, इससे आंसर नहीं आ रहा है बोल रहे हो मैम, आ जाएगा सेम ही आंसर आएगा, कैलकुलेशन देखो थोड़ा सा, आप किस तरीके से करते हो, क्या हाँ क्या हुआ, सॉल्व करो, x स्क्वायर हो गया, x by 0.5 इज इक्वल टू इसका रूट ले लो, ये भी बेटर तरीका है अगर आप करना चाहो तो, क्या दिक्कत है इसमें, दिक्कत क्या है, कहाँ से दिक्कत हो रही है, बुक का आंसर है मैम 0.067 है, हां ठीक है, बढ़िया है मैम 0.067 है, 10 मैम ज्यादा है, मैम 0 ज्यादा है ना, 100 की गलती है मैम, 10 की एक मिनट मैम आंसर है 0.067 है, तो आप अपना कैलकुलेशन करो मुझे बताओ, हम तो सही तरीके से चले हैं, हाँ मैम 0.067 है, इसका आंसर क्या है 0.067, मतलब 6 से पहले 0 आएगा, यस ना, यस मैम, मुझे लगता है इतना डेसिमल में कैसे फर्क आ जाएगा, ठीक है बहुत अच्छा गुड।
ठीक है, मैं आपको बताती हूँ क्या है ना, टीचर इसको सिंपल तरीके से स्ट्रेट फॉरवर्ड लेके करा देंगे स्कूल में, ऐसा भी करेंगे, आपको नहीं जरूरी नहीं कि टीचर आपको इन्वर्स करके दिखाएंगे, बट ये मेथड है उसका, ये मेथड है, ठीक है। अगर आपको करना है प्रॉपर करना है, अगर प्रॉपर कंसेप्ट आपको चाहिए तो दिस इज द कंसेप्ट, उल्टा करके रिएक्शन को प्रोसीड करा देना है, ठीक है ना, उल्टा करके आप इसे प्रोसीड कर सकते हो, एंड आई कैन अंडरस्टैंड कि उल्टा करेंगे तब भी आंसर वही आने वाला है, अगर आप गलत तरीके से करोगे तब भी आंसर वही आएगा, ठीक है। तो बट कंसेप्ट अगर मैं चलू, दिस इज द फैक्ट अकॉर्डिंग टू द लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन, उल्टा करेंगे तब भी सेम आएगा, क्योंकि ये कैसे हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, बिल्कुल सेम आंसर आने वाला है। आप अगर उल्टा भी, आप अगर बिना इनवर्स करे, बिना रिवर्स रिएक्शन करे भी अगर सॉल्व करोगे ना क्वेश्चन को, आंसर वही आने वाला है। मैम मैंने वैसे ही किया है बिना इनवर्स करे, तरीका थोड़ा ठीक नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया है ना एनसीईआरटी में, क्या होता ना इतना टफ क्वेश्चन नहीं देते हैं, टीचर भी अगर स्कूल में करवाओगे ना इसको ऐसे ही सीधा करा देंगे आपको। मैम अगर ये टफ नहीं, मैम दे तो रखा था कि HI से H2I2 बनेगा, क्या हुआ मैम क्वेश्चन में गिवन था ना ये, तो कि रिवर्स करना है, हाँ वही तो बोल रही हूँ, क्वेश्चन में गिवन है रिवर्स करना है, तो अगर आपको रिटर्न वाला क्वेश्चन चाहिए तो आप रिटर्न रिवर्स करके ही लिखोगे, अगर आपको ऑप्शनल क्वेश्चन चाहिए ABCD ऑप्शन टिक करना है तो आप किसी भी तरीके से करोगे आंसर वही आएगा, चाहे मैं उल्टा करूँ, नेचुरल है, अगर उल्टा करोगे तो कैसे भी तो डिवाइड हो रहा है ना, और उल्टा नहीं करोगे सीधा रिएक्शन देखा होगा तब भी आंसर वही आएगा, मैंने अलग अलग किया है, पहले 0.25 को करा, उसके बाद 0.5 ही आ गया ऊपर का, तो 0.5 आ जाएगा।